स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के तहत नगर निगम 33वें स्थान पर है। पिछले साल भी नगर निगम 33वें स्थान पर ही था। इसका मतलब विगत एक साल में नगर निगम ने स्वच्छता को लेकर के कोई भी खास काम नहीं किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे रामनगर जिला परिषद कॉलोनी में जो है नर्क की स्थिति बनी हुई है, कचरे का अंबार लगा पड़ा है। तो नगर निगम यहाँ पे कोई भी ध्यान ये लोग नहीं दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग आज बात करेंगे यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से और जानेंगे कि उनकी पीड़ा क्या है। तो क्या करें भैया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। ये तो हो गया साल भर, दो साल से साफ नहीं होता है बहन जी। जो हम लोग आते हैं मैडम वही करते हैं। वो लोग उनको बुलाएं लेकिन वो लोग करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो लोग देख देख के जाते हैं और कहते हैं कि करेंगे लेकिन नहीं किए। नगर निगम का गाड़ी भी यहाँ पे नहीं आता? नहीं, गाड़ी आता है, अंदर नहीं घुसता, रोड से ही चले जाते हैं। मतलब ये अंदर वाला कोई भी नहीं, कुछ नहीं। जो घर का कचरा हम लोग जमा करते हैं वही नगर निगम को हम लोग जाकर वहाँ तक पहुँचाते हैं, वहाँ तक आते भी नहीं हैं। और 10 मिनट या 5 मिनट रुकती है गाड़ी, हम लोग जाते हैं तो देते हैं तो लेकर जाते हैं, अगर लेट भी हो जाती है तो फिर गाड़ी चल जाता है। तो आप लोग टैक्स तो भरते हैं हर साल? हाँ, टैक्स तो भरते ही हैं, टैक्स तो भरना ही पड़ता है सब, लेकिन सुविधा नहीं है। टैक्स भरते लेकिन सुविधा नहीं है तब। और फिर वो लोग भी आते हैं, जैसे दुर्गा पूजा दीपावली में बोलते हैं कि बख्शीश चाहिए, तो हम लोग जो 10-20 रुपया करके वो लोग उनको बख्शीश देते भी हैं लेकिन वो लोग करते नहीं। तो इस बार हम लोग तो दिए ही नहीं कि जब सफाई नहीं कीजिएगा तो बख्शीश क्यों देंगे। तो आइए और भी यहाँ पे लोग हैं उनसे भी हम लोग बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ की साफ़ सफाई कैसी, मतलब की तो नहीं जाती, आप लोग देख ही पा रहे, तो देखते हैं कि और लोग क्या बोलते हैं। तो बोलिए, साफ़ सफाई होती है कि नहीं होती? नहीं होता है, जो बोली वही हो रहा है। तो कुछ भी नहीं होता? नहीं, आप लोग तो आँख से देख ही रहे हैं। हाँ, जो क्या है यहाँ का सफाई, तो हम लोग इस तरह और उधर में तो वही, हाँ उधर में भी बहुत है कचरा, पीछे भी गाड़ी आई वो ना, रोडे में रहता है, उधर में है गाड़ी, रोडे में रहती है, लोग आता ही नहीं है गाड़ी, मतलब साफ करते नहीं, नहीं वो लोग साफ करते ही नहीं है कभी नहीं। तो आपने सुना कि नगर निगम टैक्स तो वसूल करती है लेकिन सुविधा के नाम पे कुछ नहीं मिलता इन लोगों को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लोग नर्क की स्थिति में जी रहे हैं, कचरे से पूरा मोहल्ला भरा हुआ है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि नगर निगम अपना काम कैसे कर रही है। और यहाँ पे हम लोगों को और भी महिलाएं देखने को मिल रही है, तो चलिए आइए पूछते हैं इनसे कि यहाँ पे सफाई की स्थिति कैसी है, बताइए यहाँ पे सफाई, मतलब हम लोग सुन चुके हैं कि सफाई की स्थिति कैसी है, फिर भी मतलब क्या यहाँ पे? तो हम लोग खुद से करते हैं, बाहर वाला जो इधर उधर झाड़ू लगाते हैं, यहाँ कहाँ आते हैं लगाने के लिए, यहाँ नहीं आते हैं। मतलब आप लोग खुद से सफाई करते हैं, नगर निगम कुछ नहीं करता? नहीं, यहाँ अंदर नहीं आते हम लोग, बाहर वहाँ जाके गेट के बाहर जाते हैं तो हम लोग खुद कचरा देते हैं। जो इलास्टिक प्लास्टिक ये सब तो हवा अंदर से आइए जाता है, हम लोग तो इतना गंदगी नहीं है रखेंगे। हाँ तो ये तो गंदा सफा फाई नहीं होता, सब सफाई अपने सब बच्चा लड़का सब सफा करता है, खुद से सब सफा करते। इधर बोलेबो करता कि 5-10 रुपया देंगे चलो सफा करेंगे, बाकी नहीं इधर घुसबे नहीं करता, गाड़ी वहाँ लगाता है वहीं से कचरा लेके जाता है, अंदर नहीं घुसता है। तो आपने सुना महिलाओं की पीड़ा, नगर निगम सालों से यहाँ पर सफाई नहीं कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस खबर के बाद नगर निगम कुछ पहल करती है या फिर इसी तरह इन लोगों को नर्क की स्थिति में जीना पड़ेगा। कैमरामैन विक्रम के साथ अनिंदिता, मिरर मीडिया, धनबाद। तो क्या करें भैया, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल।